आई थिंक सबसे पहले अश्विनी मेरे को फिल्म ऑफर की थी नील बटे सन्नाटा से भी पहले. ये नील बटे सन्नाटे मैंने देखी थी फिल्म एडिट में और तब मैंने देखा कि बहुत ही बढ़िया फिल्म है. तब नितेश सर ने लिखी थी और नितेश सर की दंगल आई फिर और उसके बाद कृति ऑन बोर्ड आई फिर राजकुमार ऑन बोर्ड आया. आई थिंक ये मेरे लिए काफ़ी अलग थी क्योंकि आई एम प्लेइंग अ बुली इन द फिल्म. मतलब मैंने आज तक बहुत ही सिंपल और स्वीट लड़का प्ले किया है. इसमें मैं उसको कभी टपली मार रहा हूँ, कभी उसको बुली कर रहा हूँ, उसे काम करवा रहा हूँ. तो आई थिंक दिस वॉज वेरी डिफरेंट फॉर मी एज अ कैरेक्टर बिकॉज आई थिंक कभी कभी आप लोग अपने नेचुरल कैरेक्टर से कुछ निकल कर कुछ करना पड़ता है. तो वो एक फिल्म इस फिल्म में है. हाँ यूपी में दूसरी बार गए हैं. हाँ लेकिन उसमें भी मैं बुली तो नहीं था. मतलब बहुत ही सिंपल स्वीट कैरेक्टर था लेकिन स्वीट नहीं, मतलब अपनी पत्नी की तरफ स्वीट नहीं था उसमें. लेकिन यहाँ पर स्वीट नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी. मतलब बरेली बर्फी में जो स्वीटनेस नहीं है वो मैं हूँ. जी आई थिंक इट्स ऑलवेज ग्रेट टू वर्क विद गुड एक्टर्स. यार अगर अच्छा एक्टर सामने हो तो आपके रिएक्शन और अच्छे आते हैं, आपकी फिल्म और अच्छी लगती है. हर सीन में एक स्पार्क होता है, हर एक अच्छा एक्टर कुछ अलग करने की कोशिश करता है और कुछ यूनिक चीज फिल्म में उभर कर आती है. तो आई थिंक ये पहली बार एक अनफॉर्मल फिल्म में कर रहा हूँ तो इट्स गुड टू बी लाइक इन दिस प्लेस. आई थिंक मेरी हिंदी बचपन से काफ़ी अच्छी है, उससे काफ़ी फ़ायदा होता है. मेरी एमए हिंदी है, घर में बचपन से हिंदी काफ़ी बोली गई है, थिएटर हिंदी में किया है. तो आई थिंक अगर आपकी हिंदी संस्कृत अच्छी हो तो संस्कृत एक रूट लैंग्वेज होती है तो उससे आप इंडियन लैंग्वेजेस को पकड़ सकते हैं आसानी से. तो आई थिंक वो काफ़ी हेल्प करता है. आई थिंक दिस डे एंड एज योर टैलेंट ओनली मेक्स यू सर्वाइव. आई थिंक पीपल हु आर डूइंग वेल हु आर द इंडस्ट्री किड्स लाइक रणबीर, वरुण, आलिया, दे आर ब्रिलियंटली टैलेंटेड. दैट्स वाई दे सर्वाइव. एंड प्रॉबली इफ यू आर अ स्टार किड यू कैन गेट अ गुड लॉन्च, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स योर ओन टैलेंट विच मेक्स यू स्टे देयर फॉर एवर. एंड आई थिंक यू हैव योर स्टेक्स ऑल्सो वेरी हाई, यू हैव मोर प्रेशर ऑन योर स्टार किड. सो आई थिंक राइट नाउ इट डजंट रियली मैटर विद योर स्टार किड और नॉट. दैट्स व्हाट आई फील. I've not even followed that, frankly speaking. So I was busy with my dub and everything. So I think to each his own, you have their own opinions and you can probably talk about it. But I think I've given my opinion. Yeah, I'll be recording one song for this film tonight. So I'm singing one song. Yeah, I think three or four songs. Four songs and I'm singing one. Yeah. I think she's a revelation in the film because she's only... Till now we've seen her in urban avatar. This is the first time she's doing something desi, de-glam and very real. And it's very refreshing to see her like that. I think she's a revelation in the film. On this project, I think it was the easiest film to work with because the script was so bang on. Like somebody like Nitesh Tiwari who's written the script. I think he's a brilliant writer, great director and his scripts are so tight that you hardly find any fault or any weak point or any lull moment in the script. So I think this is the first script which I had said yes to just immediately after reading it. In UP. Not really. I think, in fact, this accent is so different in this particular film. As I said earlier, that in our country, every 10 kilometers, the accent changes. This accent is so different from Dam Laga Kesha. The character is so different from Dam Laga Kesha. And apart from that, we have to meander around heartland only because we work in a Hindi film industry. We can either go to Delhi, UP, Bombay, probably go towards Bengal. Even in Meribar, even though I spoke more of Hindi than Bengali, but yeah, I caught few words and accent like that. But I think since we work in a Hindi film industry, we can just change or tweak our accents a bit with every character in every film. I'm doing a Shriram Raghavan film. It's a thriller and it's a very different film for me. And yeah, that's the first time you'll be seeing me in a thriller or something which I've never done before. Yeah, she really liked it and she always reads my scripts and watches the trailers. She's the first hand bouncing pad for me and yeah, she loved it. यार हर एक की लव स्टोरी अलग होती है और फिल्म की लव स्टोरी कभी कभी बहुत ही अलग है, बहुत सेम. कुछ मोमेंट सेम हो सकते हैं बट ये ज़रूरी नहीं सेम हो क्योंकि यार हमारी लव स्टोरी काफ़ी अलग है और ये तो बहुत ही अलग है. अभी तो फिलहाल शुभमंगल साहब
और वो वाली फिल्म मैं नहीं कर रहा हूँ, हैप्पी बर्थडे की बात कर रहे हैं, आई थिंक तब मेरी डेट्स क्लैश कर रही है श्रीराम राघवन की फिल्म के साथ, तो वो नहीं हो पा रही है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं उनके साथ दोबारा दोबारा काम करना चाहता हूँ, इज अ ब्रिलियंट डायरेक्टर, ब्रिलियंट प्रोड्यूसर, सुमंगल साहब। I think it's a great concept. It's a very different role for me. I think I'll be surprising you in that. Last day shoot था और हम वापस आ रहे थे दिल्ली एयरपोर्ट से, आगरा से दिल्ली आ, दिल्ली से बॉम्बे आ रहे थे। तो क्या होता है जब आप कंटिन्यूसली दो महीने के लिए शूट कर रहे हो और उसके बाद दिमाग चलता नहीं है, बट फिर भी एज क्रिएटिव पीपल आई थिंक एनी वन ऑफ अस जाके बुक स्टोर में देख लेते कुछ मिल रहा है, कुछ है क्या। तो मैंने ऐसे ही दो तीन बुक्स उठाए और उसमें से ये एक बुक था, इट वॉज कॉल्ड इंग्रीडियंट्स ऑफ लव, फ्रेंच बुक है, पता नहीं कहाँ से आ गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, निकाला मैंने और मैं तीन बुक्स में से नींद नहीं आ रही थी फ्लाइट में, तो पढ़ना चालू किया मैंने, और पढ़ते पढ़ते मैंने रियलाइज़ किया यार ये तो बहुत अच्छा है। एक पिक्चर ख़त्म हो गई, मुझे ऐसा लगा इसमें कुछ तो बात है। घर पर आई मैं, इंस्टेड ऑफ लाइक रिजॉइसिंग दैट मैंने शूट ख़त्म किया, मैं ये बुक पढ़ रही हूँ। और अगले दिन हम हॉलिडे में जा रहे थे तो नितेश ने मुझे पूछा कि तुम ऐसे ये क्या पढ़ रही हो जो इतना, मतलब तुमने सब छोड़ दिया है। तो आई सेड सी यार दिस बुक इज़ वेरी नाइस, व्हाट डू यू थिंक, यू ऑल्सो रीड इट, एंड उसने ठीक है पढ़ता हूँ, क्योंकि हम वेकेशन में थे, ही ऑल्सो रीड इट, वॉज वेरी क्विक रीड, दो दिन में आई थिंक ख़त्म कर दिया, एंड ही लुक्ड एट मी एंड टोल्ड मी एक लाइन अच्छा है इसमें, इसके ऊपर पूरी पिक्चर बननी चाहिए। तो एक लाइन से हमने, बिकॉज फ्रेंच बुक है ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा हमको, पर एक जो चीज़ उसमें था वो बहुत अच्छी थी, तो वहाँ से फिर हमने पूरे कैरेक्टर्स और पूरी अपनी स्टोरी बनाई थी। How was it working with Ayushmann, Kriti and Rajkumar? What do you have to say about the chemistry? Okay, so the thing is that when we said that we are going to get Ayushmann, Kriti and Rajkumar on board, there was like this thing that are three different kinds of people, how you know it's a very rare combination, a very different combination, because people think that they kind of tag, you know, ki one if there's Kriti Vishnu, she'll only be doing glamorous roles, Ayushmann means so he'll only be doing simple boy kind of, you know, that kind of films, or Rajkumar is tagged for, you know, films which will only be for festivals or, you know, those kind of things. For us it was not about that. For us I think it was more about there are these three guys, these three actors who belong to each character in this film, and after all they're human beings, they're good actors, so I'm very sure that they're going to come onto screen and they're good human beings. For a film like this you need to have good human beings on the set, is because you're working with seven different characters who are a family, and when you're a family you start reflecting in the film also or in the trailer also. So for me that was very very important, and the good thing is that Kriti, who's always looked at someone who's very glamorous and done films like that, came onto a film like this and she actually got her nuances, is because she's a very simple girl from Delhi. It's just that we have tagged her like that, you know. So this is something which I hope and pray that, you know, kinds of redefines the way she is. Of course, then you have Ayushmann and you have Raj and you have Pankaj Tripathi and Seema ma'am, who are all great actors. So when you have, when you're working with great actors and great human beings, you can see something turning out there. हाँ, तो अभी प्रॉब्लम ये हो गया है कि मेरी एक एक्ट्रेस न्यूयॉर्क में है, मेरा दूसरा एक्टर लद्दाख में है, वो लद्दाख में है, पंकज जी शूट कर रहे हैं, सीमा मैम आई थिंक वो भी शूट कर रही है, तो कोई है नहीं और हमको रिलीज करना है। ऑब्वियसली कितना सारा काम देख चुकी हूँ मैं, आई लव्ड हिम इन दम लगा के हाइशा, आई थिंक आई लव्ड हिम इन विकी डोनर आल्सो, सो दीस आर द टू मूवीज व्हिच आर रियली लाइक हिम, आई लव्ड हिम इन दम लगा के हाइशा। अरे तीनों सबसे पहले मैं ऑन बोर्ड आया था। I think yeah he was the first one to come on. He was the first one to come on board. He came on board in October. वो भी नील बटे सन्नाटा से रिलीज होने से पहले एडिट में देखी वो फिल्म मैंने। एडिट में ही है सीन द फिल्म। रफ एडिट। ऑफलाइन। For sure which I mean title can come from anyone. I don't necessarily need to be the one who should be giving the title. But it so happened कि ये टाइटल मेरे जहन में आया। एक पर्टिकुलर क्वालिटी जो मैं समझता हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो टाइटल में होनी चाहिए, इट हैज़ टू बी कैची, एंड बरेली की बर्फी हैज़ गॉट अ रिंग टू इट,
बट ये मतलब काफ़ी सोच समझ के रखा गया टाइटल है, क्योंकि कहानी हम लोग जब लिख रहे थे तो कहानी वॉज सेट इन स्मॉल टाउन यूपी, बरेली वॉज नॉट डिसाइडेड देन कि ये बरेली ही होगा, बट उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर की कहानी थी जो मैं और शहरी लिख रहे थे। और जो कैरेक्टर हैं फिल्म में, जो लड़की का कैरेक्टर है बिट्टी, उसके जो पापा हैं उनकी वो हलवाई हैं, मतलब उनकी मिठाई की दुकान है, तो इट्स वेरी नेचुरल फॉर यू टू स्टार्ट थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन कि इसमें से कुछ एक इंटरेस्टिंग टाइटल निकल के आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो इसीलिए बरेली की बर्फी एक दिमाग में आया और मुझे लगा कि बहुत अच्छा टाइटल हो सकता है, और उसके बाद फिर उसको कहानी में और इनकॉर्पोरेट किया गया। जो बुक है फिल्म में उसका नाम भी बरेली की बर्फी है, और उसका कारण क्या वो मैं बताऊँगा नहीं, ये भी नहीं बताएंगे। Just to add to your curiosity of these three characters, Ayushman, for especially for you, Ayushman is not the simple boy in this film. So forget that. Forget that. He actually has done something. You have to wait. Done something where every time he should have, like, he has to come and tell me, "Yar, main itna nahi." Itna bura nahi ho sakta. Itna kabhi nahi ho sakta. Yar, kya matlab nahi yaar? Main log kyun? इट्स नॉट बुरा बट ही इज नॉट कमीना पर्सन, कमीना है नहीं ना, वो तो कर नहीं सकता। मैं बोला यार कर लो, कुछ नहीं होने वाला, करना पड़ेगा। एंड आई हैव टू टेल यू अनदर थिंग, सो व्हेन ही वाज डूइंग, ही वाज दिस चिराग दुबे इन बरेली की बर्फी, एक दिन बातों बातों में बोला आयुष्मान मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारा एक साइड बाहर आ रहा है, सो यू शुड बी डूइंग लाइक अ क्राइम थ्रिलर, करना था जैसे लगता है तुमको, बोला हाँ तुमको क्राइम थ्रिलर करना चाहिए, ही इज अ वेरी ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन। सो नेक्स्ट थिंग आई गॉट टू नो ही इज डूइंग श्रीराम फिल्म, सो आई वाज लाइक सुपर हैप्पी, आई सेड वाह दिस इज लाइक यू नो नॉट टू बी टैग्ड टू बी जस्ट बी डूइंग वन काइंड ऑफ फिल्म। No, frankly, I'm not. I've never been bothered. I'm only one film old, but I've never been bothered about how films will do at the box office. And if you have done something nice, I think every film should work. Sab log pyar se hi banate hain film, and the audiences will go and watch what they want to watch. So that is something we cannot control. So jisko jo dekhna wo dekhenge. But the beauty is that both the films are different. So that's the beauty of it. बहुत ही पॉपुलर थे, डेब्यू डायरेक्टर इनको मिला, डंगल के लिए इनको मिला, सो आई थिंक ये इट्स ग्रेट टू वर्क विद क्रेडिबल पीपल, इंटेलिजेंट पीपल, क्रिएटिव पीपल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नाइस पीपल। ये दोनों बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही क्रिएटिव है, एंड द बेस्ट पार्ट इज इनका कनेक्ट करना बहुत आसान है, एंड इनका कनेक्ट ऑडियंस के साथ बहुत ईजी है। नील पटेल देख लो या दंगल देख लो, आई थिंक कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, सो आई थिंक इट वॉज आई एम ऑनर टू वर्क विद हिम। आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये दंगल्स परफॉर्मेंस इन चाइना इज समथिंग विच इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन, बियॉन्ड वे बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। आई थिंक इट्स समथिंग विच इज कैन ओनली बी डिस्क्राइब्ड एज इनक्रेडिबल। आई डोंट नो यू नो आई मीन टू बी इवन थिंक ऑफ अ फिगर लाइक दैट इज सम वुडंट बी पॉसिबल फॉर मी इफ आई हैड नॉट हर्ड दिस फिगर। दंगल की स्क्रीनिंग अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के बॉर्डर पर होनी चाहिए, दोनों दोस्त हो जाएंगे। So do you think somewhere it's prevalent in the industry that we see advertisements, Fair and Lovely and all these things? So do you think talent is curbed due to this racism in the industry? Every film has its own journey, and I think every director chooses the actors they are comfortable with. So it's to each his own. What I think in this day and age, Nawaz is getting lead roles in films, you know, in the past, and they're doing well. We have unconventional actors and unconventional scripts, and in 80s and earlier times, there was a schism between parallel cinema and commercial cinema. But I think now, it's just the concept and the actor you are, that your talent makes you more desirable, more than anything else. That's I think the irony lies, sir, because Nawaz being such a talented actor, as you have mentioned, still he himself has tweeted about it. So, is there, have you found any instances, or do you think that it's actually...
I really don't think so. I think it's the kind of background you come from. Meri mummy ne kabhi nahi bola dhoop mein khelne mat jao kaale ho jaoge. Aisa kabhi nahi bola. So I think it's your upbringing and the way you think more than anything else. Thank you so much, guys. Thank you. I honestly, it's very difficult for either of us to comment on that because we have no idea as to what is it that is being found objectionable out there. So I don't know, you know, when if you are making a piece of fiction, then you have to label it like a fiction. If you are making a film which you are saying is based on two events, then you need to get those necessary permissions. I don't know what exactly is the scene and what the debate is all about.